तो कोलकाबाद स्टेशन का बस स्टैंड पड़ा है बदहाल। जी हाँ, यहाँ पर तो ना एक तो आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड के ऊपर ना शेल्टर है, साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि बस स्टैंड के चारों तरफ लोग अपनी गाड़ियों को पार्किंग कर कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो बस के यात्री हैं उनको रोड पर ही खड़े होकर बस का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि बस के सामने यहाँ पर आपको बता दें, बस स्टैंड के सामने यहाँ पर चारों तरफ जिस तरीके से देखा जाए गाड़ी की पार्किंग कर दी जाती है। और जिस तरीके से आपको बता दें कि बस की आप बस स्टैंड की हालत देख रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी समय से बस स्टैंड किस तरीके से बदहाल पड़ा है। तस्वीरें हम आपको तुगलकाबाद स्टेशन की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए बस स्टैंड के आगे लोगों ने अपनी गाड़ियों को पार्क कर रखा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की अनदेखी है, जिसकी वजह से लोगों ने बस स्टैंड को अपना पार्किंग स्टैंड बना लिया और यहाँ पर वो लोग पार्किंग करके चले जाते हैं। वहीं अगर बस स्टैंड की बात किया जाए तो बस स्टैंड भी पूरी तरीके से बदहाल पड़ा हुआ है। जो यात्री बस से सफ़र करते हैं उनको सड़क पर खड़े होकर बस का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि बस स्टैंड पूरी तरीके से बदहाल है और जो बसें हैं वो भी बस स्टैंड पर बहुत ही कम रुक पाती हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तुगलकाबाद स्टेशन के बस स्टैंड की, जहाँ पर आप देखिए किस तरीके से गाड़ियों ने यहाँ पर पार्किंग बना रखी है, जिससे कि यहाँ पर जो बस यात्री हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल बस के यात्री जो यहाँ से रोजाना सफ़र करते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करण कुमार जी, आप यहाँ बस पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं, तो ये बस नहीं रुकते क्या है यहाँ पे? बस ज़्यादातर नहीं रुकते, क्योंकि गाड़ी वगैरह यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये बस स्टैंड के सामने भी सारे गाड़ी लगा हुआ है, इसलिए गाड़ी वगैरह नहीं रुक पाते। और बस स्टैंड की हालत भी कुछ ज़्यादा ख़राब है, बहुत यहाँ पे पेशाब वगैरह कर रखते हैं, देखो ये टूटा फूटा पड़ा है, इसलिए कोई बस बस कितने दिनों से ऐसा है? ये तो बहुत दिन हो गए, साल भर से, इसलिए तो कोई प्रशासन नहीं